चले बात हरियाणा की, तो हरियाणा में भी ईद उल फितर को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर लोगों ने ईद की नमाज अदा की, लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नूह, पलवल, फरीदाबाद, करनाल, गोहाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए लोग नजर आए और ईद की नमाज अदा की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग जगहों की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नूह, पलवल, फरीदाबाद, करनाल और गोहाना की ये तस्वीर आप हम आपको दिखा रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि जो इबादतें, जो दुआएं हम सब ने रमज़ान के महीने में करी हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए और हमारी ये ईद जो खुशियां आज लाई है सबकी ज़िंदगी में ऐसी तरह की खुशियां रहें, देश में अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे और नफ़रत की दीवार ढहें, हम मिलजुल के देश में रहें, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। हम यही दुआ करते हैं, यही हमारी यह है कि हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार आपसी वो बना रहे और हम मिलजुल के अपनी खुशियां बांटें। ईद उल फितर ही आज जी, जो रमज़ान मुबारक के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो अल्लाह ने इस नमाज को बनाया। देखिए, पहले तो मैं नवरात्रे की और ईद उल फितर की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऊपर वाले ने, कुदरत ने ये ऐसा संयोग किया है कि जिसने नवरात्रे भी और ईद उल फितर का जो त्यौहार है हमारा, ये एक साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो नूह, पलवल, फरीदाबाद, करनाल और गोहाना की ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईद उल फितर का जश्न मनाया गया। ईदगाहों पर जाकर लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नूह, पलवल, फरीदाबाद, करनाल और गोहाना में ईद का जश्न मनाया गया, लोगों ने नमाज अदा की, मुस्लिम भाई एक दूसरे को यहाँ पर ईद को लेकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए। Oh, wow.